गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो भाई देखिए, वैसे तो बहुत आप मॉडर्न चाहे जितने भी बन लीजिए, लेकिन जितना भी होता है ना, जैसे कि भजन है, कीर्तन है, उसमें भी आपको कभी कभी जाना होता है। और आज कैंपस में है भजन और छंद कह सकते हो माता रानी के, तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ। वैसे तो मैं लेट हो चुकी हूँ, लेकिन क्या है ना, बच्चों को सुलाना पड़ता है तभी मुझे जाने का मौका मिलता है। तो आज तो मिस्टर इंडिया वैसे भी घर पर है, तो बस आप ये देख सकते हो मैं कैमरे में देख के ना रेडी हो रही हूँ। तो मैंने कहा चलो भैया साड़ी वाड़ी डाल लेते हैं, और ये साड़ी ना पीलीभीत की है, तो मैंने कहा चलो आज इसी को डाल लेती हूँ। और बस डाल के जाने वाली हूँ। अब देखते हैं आपको मैं क्या क्या दिखाऊँगी, क्या क्या सुनाऊँगी, और अपने फ्रेंड सर्कल से भी मिलवाने वाली हूँ, और आप सब भी मिलना। और पता है बहुत मज़ा आने वाला है। और वो सारे ना जब व्लॉग्स देखते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है, कहते हैं हम भी दिखाई देते हो, हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो भाई होता है, किसी किसी का क्रेज़ होता है, और होना भी चाहिए। मज़ा आता आता ही है भाई, मज़ा ना आए तो फिर इंसान देखेगा ही क्यों। और बहुत से लोग चैनल को ना मतलब देखते हैं, वॉच तो करते हैं ब्लॉग्स, लेकिन ना उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई कर भी लेना, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब खुद ही कर लोगे, और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बता भी दिया करो। हो सकता है कि आपके सजेशंस मुझे बहुत अच्छे लग जाएँ, और मुझे तो भाई अच्छा लगता है अगर आप कमेंट में मुझे कोई सजेशन देते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी उसको नेगेटिव नहीं लेती हूँ। जैसे आप कोई भी न्यू प्लेटफॉर्म पे आते हो, अब ये मेरे लिए भी न्यू है, आप लोगों के लिए भी मेरे को सुनना न्यू होगा। तो कोई कोई मुझे बहुत अच्छे, उनको मेरी वॉइस अच्छी लगती है, किसी किसी को मेरे बोलने का जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हर किसी का अपना अपना एक अलग नज़रिया हो सकता है। छोटू सा बेबी आया हुआ है, ये जो है ना छाया की जो रिद्धि सिद्धि की बुआ है छाया, उनके घर पे देखो कितना छोटू सा बेबी है, प्यारा सा, क्यूटू क्यूटू सा। और आप उनकी भाभी हैं और ये उन छाया का भतीजा है, मतलब रिद्धि सिद्धि के एक और भाई बहन आने लगे हैं, स्टार्ट हो गया है। और इस गुड़िया को देखो, इसकी ऑयलिंग चल रही है। हाँ मम्मा से ऑयलिंग करानी है क्या? नहीं, खुद कर लेते हो? मैं पहुंच चुकी हूँ, आप जैसा कि आप सबने देखा तो, और यहाँ पर देखे उन्होंने जो डेकोरेशन कर रखी है ना, बहुत प्यारी कर रखी है। इतनी अच्छी डेकोरेशन भाई होनी भी चाहिए। जो ड्राइंग रूम होता है ना आपका, वो मतलब आपके जो हाउस का होता है ना, कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। Thank you.
नहीं, इनकी दौलत अच्छी है ना। फोन की थी मुझे, मैं वहाँ थी तो पतली ही है, तो अच्छा ही तो है, मोटापा अच्छा था उनका, चाहती वाला नहीं था वो, तो धीरे धीरे रेल वैसी बन रही थी, हो ही जाना था, चाहने वाला ऐसा कुछ नहीं कि मैं डाइट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हो ही जा रही हूँ पतला। बच्चों में होता है, बच्चों में देख रही है तो पूरे दिन सुबह से कब रात हो गई, आँख कब छलकते पता नहीं चलती। तो वहाँ पर हो रहा था भाई डिस्कशन कि क्या होगा क्या होगा, तो मैंने कहा कि चलो भाई जल्दी से फिनिश करते हैं भजन वगैरह, और फिर अब मुझे आ गई हूँ मैं अपने घर। तो घर पर आने पर शाम हो चुकी है, शाम हो गई है, तो बस अब पूजा आरती वगैरह मुझे करनी है, वही सब मैं करने वाली हूँ। और अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊँगी, पूजा करने के बाद एक जगह हम लोग और जाने वाले हैं। तो क्या होता है ना, कैंपस में वन बाय वन करके छंद वगैरह रखे जाते हैं, ताकि सबको बीच बीच में ना टाइम भी मिल सके अपनी फैमिली को लेके, और फिर भाई जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको भी टाइम देना ही होता है। तो बस ये करने के बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लिप और दिखाने वाली हूँ, फिर मैं चेंज करके भगवान जी की पूजा करके माता रानी की, और फिर मैं दोबारा से गई हूँ। और आज पता है मुझे दो दो बार जाने का मौका क्यों मिला? सबसे पहले सवाल यही होगा कि कैसे मिल गया, तो ऐसे मिल गया भाई, मिस्टर इंडिया थे आज घर पर, तो बस अब वो घर पर होते तो मेरी ड्यूटी ऑन हो जाती है बाहर की। और बच्चों को आप देख रहे हैं कैसे इनकी मस्ती चल रही है, बहुत मस्ती करने लगे हैं आजकल। और बस अब दीदी भी आ चुकी है, तो मैं सब देख रही हूँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वही सब देख रही थी। और मिस्टर इंडिया को पता है आज एक जगह से ना शहतूत मिले, तो वो मतलब मेरे लिए लेके आए थे, मैंने कहा हाँ बड़े अच्छे लग रहे हैं भाई। और बस चटनी वगैरह बनने वाली है, और भगवान जी के लिए फ्लावर वगैरह भी आ चुके हैं, क्योंकि ना इकट्ठे लेके रख देते हैं, उससे क्या होता है ना हमें बार बार ये नहीं होता कि फ्लावर है नहीं है, कभी कभी तो फूल खिलते कभी कभी नहीं हो पाते। और आजकल तो मौसम जान रहे, और मौसम की बात क्या करूँ आप खुद ही देख सकते हो, और शाम को जो इतना तगड़ा वाला मौसम हुआ है ना, खतरनाक टाइप का, तो धीरे धीरे हम लोग बस जा ही रहे थे। तो बस थोड़ा सा ना ये बीच में हल्का सा रुका, तो हम लोग फटाफट गए, फिर छंद वगैरह गाए। अभी मैं आपको क्लॉक दिखाने वाली हूँ, वीडियोस दिखा क्लिप मिलेगी आपको। तो बस हम मैं ये सोच रही थी कि जाएंगे नहीं कैसे क्या, फिर कॉन्टैक्ट वगैरह किया, कॉल वगैरह किया, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा रुकेगी तो आ जाइए। और भाई कोई प्रोग्राम होता है ना तो उसे पोस्टपोन करने भी नहीं सकते, भगवान का तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला था कि हाँ अब मुझे जाना होगा, तो हम लोग पहुँच चुके हैं एक और भाभी के घर। तो बस अभी आपको मैं सुनवाने वाली हूँ यहाँ के जो भी हमने गीत वगैरह गाए थे, भजन गाए थे, और जो भी मतलब जिस जिसको जो जो आता था वो ही सब गा रहे थे। क्योंकि जो गाने वाली थी ना वो नहीं आई थी यहाँ पर, अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो ढोलक बजा रही थी ना वो जैसे प्रोफेशनल होते हैं ना उस टाइप के थे, तो उनको भाई जैसे मौसम खराब हुआ वो तो निकल लिए। तो भाई यहाँ पे भी ढोलक को विराम दे दिया गया है, अब हम लोग बस निकलने की तैयारी है। तो बस मैं अब घर पहुँच चुकी हूँ, और घर पर देखिए मौसम हो ठंडा और कुछ गर्मा गर्म ना हो, तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। तो बस ऐसे मूड कर गया, तो भैया आलू की कचौड़ी हो और चटनी हो साथ में, और फिर उसका क्या कहना। तो बस दीदी से मैंने कहा कि आप यही रेडी कर दीजिए, और ये देखिए मौसम, मौसम ने ऐसे करवट ली है ना कि बता नहीं सकती। और बच्चों की हेल्थ ना, हेल्थ इशू तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि कभी उनका गले में इन्फेक्शन्स है, या फिर उन्हें फीवर आ रहा है, या फिर कफ है, ये सब चल रहा है। और सिर्फ उनका ही नहीं, अपने लोगों का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और आप सब भी ध्यान रखिएगा, क्यों क्योंकि मौसम बहुत चेंज है। और ऐसे आप जानते हो अप्रैल के मंथ में तो इस तरह का मौसम कभी नहीं होता, लेकिन इस बार तो कुछ कहना ही नहीं है। और भाई मेरी थाली लग चुकी है, आप लोग भी आइए साथ में, हम लोग मिलके खाना खाते हैं। और ये देखो थाली कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, आ जाओ भाई जिसे आलू की कचौड़ी खानी हो ठंडे ठंडे मौसम में, आप भी आइए, इनवाइटेड हो भाई। ये मत कहना कि इशिता ने बुलाया नहीं, इशिता ने तो बुलाया था। और अगर आपका और ज़्यादा मन कर रहा है तो भाई जाइए अपनी किचन में, गर्मा गर्म कचौड़ी बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट में भी बताइए। तो बस चला जाए, और चलते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और सुनिए भाई जो जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है प्लीज़ भाई सब्सक्राइब भी कर देना,
और दूसरी बात कि जिसको अगर थोड़ा सा भी जैसे किसी को वॉइस प्रॉब्लम है कि वॉइस कम रहती है तो वो मुझे बता सकता है, भाई जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, अब तो हम फैमिली फैमिली हो गए हैं ना, तो फैमिली में तो कोई बातें छुपी हुई नहीं रहती है, हर राज एक दूसरे को पता होने चाहिए। तो बस आप मुझे एडवाइस करिए, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो भाई ये देखिए अब मैं आ गई हूँ ऑन कैमरा, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश ही नहीं हो रही है, मैं अभी यही देखने चेकआउट करने आई थी। आप देख रहे हो जो वाइट वाइट है, ये ना ओले पड़ रहे हैं, आप वो जानते हो ओले पड़ रहे हैं तो किसानों का क्या हाल होगा, मिलते